बरेली में मिलावटी तेल के व्यापारियों को मिल रहा जिला प्रशासन का संरक्षण। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक स्लो पॉइजन का मामला सामने आया है। ये स्लो पॉइजन लोगों को खाने वाले तेल के रूप में दिया जा रहा है। बरेली के थाना प्रेम नगर में रहने वाले हर्ष खंडेलवाल पुत्र अशोक कुमार खंडेलवाल ने ऐसी ही एक ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में मुख्य रूप से आरोपी लालचंद्र एग्रो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड ब्रह्मपुर थाना प्रेम नगर पर अपराध संख्या 706 धारा 420 427 504 आईपीसी में राधेश्याम भाटिया कन्हैयालाल के विरुद्ध दिनांक 13 दिसंबर 2018 को दर्ज हुआ था, जिस पर थाना पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में किस तरह से मिलावटी तेल से नमकीन खराब होकर भरी हुई है। इसी मामले में जिम्मेदार विभाग खास सुरक्षा ने सैंपल भी भरे और संरक्षण देते हुए मामला रफे दफे कर दिया। गौरतलब है कि लालचंद्र एग्रो ऑयल्स पर पहले भी इन आरोपों में मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी पुलिस प्रशासन व खाद्य विभाग इस मिलावटखोरी पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस संबंध में जब संबंधित अधिकारियों से बात करना चाहा तो अधिकारी जानकारी देने से बचते नजर आए। बरेली से कामरान अली की रिपोर्ट। मैंने लालचंद एग्रो ऑयल्स लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड से ऑयल लिया था, जिसमें उन्होंने मुझे तेल ख़राब दे दिया जी, और उसकी वजह से मेरी नमकीन में स्मेल आना चालू हो गई। तो तत्काल मुझे मार्केट से सब माल उठाना पड़ा। लगभग कितना माल आपने उठा लिया हो, कितनी कीमत का माल आ गया होगा आपका? लाखों का काफ़ी मेरा घाटा हुआ है, उसमें लाखों का नुकसान हुआ है। इसकी शिकायत तो आपने जिला प्रशासन से की थी क्या? बिल्कुल सबसे की थी जी। तो उसके बाद ही एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हो गई है? जी बिल्कुल। कोई गिरफ्तार? 13 तारीख को मेरी एफआईआर दर्ज हुई थी। 13/12/2018 जी। कितने लोगों के खिलाफ हुई है? राधेश्याम भाटिया और कन्हैया भाटिया। क्या उनके फर्म के नाम भी है? जी लालचंद एग्रो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें कोई गिरफ्तार हुआ अब तक? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कहती है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कोई रिपोर्ट्स वगैरह। कोई सैंपलिंग वगैरह आपकी नमकीन की या उनके तेल की हुई है? बिल्कुल सैंपलिंग हुई है। 21 में सैंपलिंग हुई है हमारे यहाँ से जी, नमकीन की जी। सैंपलिंग का कोई रिपोर्ट वगैरह आप तक आई? बिल्कुल 21 की हमारी नमकीन की सैम्पलिंग हुई थी और 22 तारीख को उनके ऑयल की सैम्पलिंग हुई थी, जिसमें ऑयल अनसेफ बिल्कुल आया है जी। और उसके बाद भी कोई कार्रवाई उसके बाद उसके ऊपर नहीं की जा रही है। कौन तो विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं हो रही उस पर? आपने विभाग से जानकारी जुटाने की कोशिश की? नहीं, वो लोग कोई जवाब नहीं देते हैं, सिर्फ लापरवाही है उनकी। जब आपकी ऑयल की और नमकीन की दोनों की जांच रिपोर्टें आ गई हैं, क्या आपकी फैक्ट्री में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की है विभाग ने, या उनकी किसी फैक्ट्री में जाकर कोई कार्रवाई की है विभाग ने? नहीं, हमारे यहाँ कोई कार्रवाई, मतलब उनके यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फूड डिपार्टमेंट को जांच किए हुए कितना समय बीत गया अब तक? 21/1 को सैम्पलिंग हुई थी, तो आज आपका कितना? 3 महीने। 3 महीने बीत चुके हैं, कोई भी मेरे पास परिणाम नहीं है। किसी तरह का कोई आश्वासन फूड डिपार्टमेंट की तरफ से आपको दिया गया? नहीं, मुझे कोई आश्वासन। आपने इस संबंध में जब फूड डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर से बात की तो उसने कुछ आश्वासन दिया या कुछ कार्रवाई करने की बात कही लालचंद एग्रो पर? नहीं, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, डिपार्टमेंट सिर्फ ऐसे ही बैठा हुआ।